अपने मन का ही करती है ये रश्मि। कौन से घर में बहुए इतनी रात को अनजान लोगन के साथ घूमने जाती है? अब छूट मिल जाए तो इसका जे मतलब नहीं अम्मा कि आदमी अपनी मनमानी करने लगे, घर परिवार की इज्जत ताक पे रख दे। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है सरोज, बहू पर लगाम नहीं कस पाई ये। पर अम्मा हम तो चुप रहो, कुछ भी कर लो लेकिन रश्मि तुम्हें देवी मैया कह के नहीं बुलाएगी। सच बोल रही है आप दादी? चुप रहो तुम भी गौरव, तुमने ही तो जाने दिया रश्मि को। ये सब का तमाशा है रश्मि? जी को टाइम होता है घर आने का? भूल गई हो तो याद दिला दें, बहू हो तुम इस घर की। कम ऑन चिल ब्रो। यार आप इन्हें क्यों डांट रहे हैं? गलती तो मेरी है। वो क्या हुआ ना कि मेरी गाड़ी ना बीच रास्ते में खराब हो, दैट्स व्हाई वी आर लेट। जो भी हो माखन, एक फोन करके बता देना चाहिए था ना, हम सब यहाँ पर परेशान थे। फोन में नेटवर्क नहीं था बुआ जी, हम खुद फोन लगा रहे थे लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। हाँ, ये तो इतनी परेशान हो गई थी कि इनको देख देख हमें डर लग रहा था। लग तो नहीं रहा है। अरे बिलीव मी यार, अरे मैं तो खुद बार बार तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था मगर मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। एक भाई तू मुंबई में रहता है, तुझे नहीं पता झांसी में कितने बजे लेट होता है, पर जे तो जानती है ना, फिर भी इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? मुझे पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं रोक रहा था। अरे हम तो आपकी जगह मैक जी के साथ चले गए थे कि आप नहीं तो हम चले जाते इनकी मदद के लिए। और माँ, हमने बहुत फोन करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लग पा रहा था, इसमें हमारी क्या गलती है? जल्दी तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ मैं, मुझे जाना है कहीं। हम नाश्ता तैयार कर लेते। कोई जरूरत नहीं उसकी। ये मतलब का दिखावा मत कीजिए मेरे सामने, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी इतनी बड़ी गलती के लिए आपको माफी मिल गई है।